हेलो फ्रेंड्स, नाउ टुडे आई एम डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल न्यूमेरिकल अवेलेबिलिटी सेकंड पोर्शन। तो उसका हम फर्स्ट चैप्टर लेते हैं यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर। सो हाउ कैन वी इजली फाइंड बाय अ सिंपल ट्रिक, जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। तो इसमें हमको क्या करना है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। हमको ये जो कुछ भी नंबर हैं गिवन, इनमें से एक अगला, ये जैसे अगर एक अगला नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो वो हम इजीली कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट मींस तो आप समझ ही गए होंगे, नेक्स्ट थ्री मतलब आगे के कुछ थ्री नंबर, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी ट्रिक है, करना हमको कुछ नहीं है, जैसे कि हमको बस प्लस वन ऐड करना है तीन बार, ठीक है। अब वो क्यों, क्योंकि तीन नंबर आगे, ये जो नंबर गिवन है इनका तीन नंबर आगे तक हमको फाइंड करना है ना, नेचुरल नंबर, इसलिए। तो इसमें जैसे कि हम ये प्लस वन ऐड करते हैं यहाँ, तो ये कितना हुआ, नाइन प्लस वन कितना हुआ, टेन। तो ये ज़ीरो प्लस वन कैरी नाइन, और ये कितना हुआ, टेन। टेन हुआ ना, टेन का ज़ीरो, इधर वन कैरी, ये नाइन वन टेन, टेन का ज़ीरो, इधर ये वन कैरी, तो इधर का वन का कैरी है, तो ये सीधा वन आ जाएगा, ये वन। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या आंसर हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। ये जो नंबर गिवन है इसका नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर हमको ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए अभी अभी ये क्या हुआ है, अभी अभी आप जा कहाँ रहे हो, अभी सिर्फ एक निकाला है, एक ओनली वन स्टेप, ओनली वन स्टेप। अभी अपने को क्या, थ्री नेचुरल नंबर, तीन स्टेप आगे जाना है नेक्स्ट, मतलब तो समझ रहे होंगे आप। तो अभी इसमें करना क्या है, ये हमारा आ गया, इसके बाद फिर से लिखते हैं हम इसको यही वन वन जो आया आंसर, ठीक है। अभी इसमें भी फिर से ऐड करते हैं वन सेकंड टाइम, अभी सेकंड टाइम, ठीक है, ये सेकंड टाइम। अभी अगर सेकंड टाइम ऐड करें तो ये कितना होगा, ये वन हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप में। अब फिर से प्लस वन करते हैं थर्ड स्टेप के लिए, ठीक है, थर्ड स्टेप। अब फिर से वन वन कीजिए, टू ज़ीरो ज़ीरो वन वन, तो बेसिकली आंसर क्या आया, वन वन ज़ीरो ज़ीरो टू, ठीक है। अभी क्या फाइंड हुआ हमारा, नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, पहले वन ऐड किया ओनली फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने ऐड किया प्लस वन, देन थर्ड स्टेप में फिर से हमने ऐड किया वन को। तो ये जब अगले हम तीन नेचुरल नंबर तक डिजिट को आगे बढ़ाते जाएंगे, और ऐसे करके हम बहुत ही इजीली तरीके से अपना जो है आंसर है निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, राइट द थ्री होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर, ध्यान से पढ़ना, जस्ट बिफोर, राइट द थ्री, थ्री मतलब राइट बिफोर, एक तो आप ये समझ रहे होंगे, राइट द थ्री होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर, तीन कोई होल नंबर, ठीक है, जो भी नंबर गिवन है उसका जस्ट बिफोर तीन, मतलब ये अभी क्या किया था, प्लस वन ऐड करके आगे के तीन नंबर फाइंड किए थे नेचुरल नंबर। अभी इसमें होल नंबर में क्या करना है, एक नंबर लेस करके माइनस, माइनस यानी कि ये समझ लो अपनी भाषा में कि पीछे मुझे ये जो नंबर गिवन है इसका पीछे का जस्ट जाके तीन तीन होल नंबर पीछे जाके फाइंड करना है, ठीक है, बैक साइड। तो अभी इसमें क्या करना है हमको, इसमें प्लस वन ऐड किया था, इसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसमें माइनस वन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम माइनस वन करते हैं, चलो इधर ले लेते हैं ये वन ज़ीरो 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 वन, ये इधर हमने माइनस वन कर दिया, अभी माइनस वन कर दिया। तो अभी आप सोच रहे होगे ये कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें अभी कुछ खास नहीं करना है, वन वन कितना हुआ, ज़ीरो, ठीक है, ये कितना हुआ, ये हमारा हो गया ज़ीरो 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 वन, ठीक है। अभी ये तो कितना स्टेप चले थे, ओनली वन स्टेप माइनस किए थे, माइनस वन किए थे ना सब्सट्रैक्ट। अभी हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे, तो ये इसी में, इसी डिजिट में फिर से माइनस वन, ठीक है। अभी फिर से माइनस करेंगे तो पता क्या हो रहा है, इधर एक में से एक घटाए थे, लेस किए थे वन माइनस वन, तो ईजिली लेस हो गया था, बट इधर ज़ीरो ऑलरेडी, मतलब एक छोटी सी संख्या से बड़ी संख्या को लेस नहीं हो पा रहा है इधर ज़ीरो से माइनस वन। तो अभी ऐसे केस अगर हो तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जो है ना इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इस नंबर को, वन बाई वन डिजिट ईच, और ये जो कैरी है इधर जाएगी, तो इधर ये दस हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हट जाएगा। फिर इसके बाद ये कैरी इधर जाएगी, ये 10 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर ये कैरी इधर जाएगी तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये कैरी जब इधर जाएगी तो ये लास्ट में 10 बन जाएगा, और ये बन जाएगा कितना अपना, ये बन जाएगा 9। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो उसके बाद अगर ऐसा ही सेम फंडा करेंगे तो इसमें से ये 10-1 9, फिर इधर क्या बचा था 9, इधर क्या बचा था 9, इधर क्या बचा था 9, तो कितनी बार 9 आ गया, 4 बार। इधर ये कैरी जो थी, ये जो कैरी थी, ये कैरी तो अपन फॉरवर्ड करते गए थे ईच वन ऑफ डिजिट इन फॉरवर्ड, तो ये कहीं ना कहीं ये हट गया था हमारा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, 999, और ये आंसर कितना है, सॉरी हमसे यहाँ एक जल्दी से मिस्टेक हुई है शायद, देखें ज़रा क्या मिस्टेक हुई है। जैसे कि अभी नहीं, सही है सही है, मेरे को लग रहा था मिस्टेक हुई है, बट कोई मिस्टेक नहीं हुई, आपका आंसर ही यही है। ठीक है, 999 और ये 9, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन ये कौन से स्टेप के लिए हो गया ये बताया आप लोगों को, ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप। तो देखिए ये आंसर आया ना 9999, 3 बार 9 आ गया ना हमारा। इसमें भी हम एक लेस जाएंगे, वंस लेस। ठीक है, अगर इसमें भी वंस लेस जाते हैं, क्योंकि ध्यान से पढ़ाना, गौर कीजिए, ये क्या लिखा था, ऐड द थ्री होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर मीन्स जो भी नंबर गिवन है होल नंबर यहाँ, ठीक है, उनका जस्ट बिफोर, ये भी चाहिए, जो होल नंबर हो, नेचुरल हो, जो भी हो, इस ये जो नंबर गिवन रहता है, अगर नेक्स्ट की बोले तो 1 ऐड करो, अगर जैसे कि हमको अगर बिफोर बोले तो, जैसे कि बिफोर पीछे 3 नंबर जाने को बोले तो पीछे अपन एक एक करके लेस करते जाएंगे 3 स्टेप में। जैसे फर्स्ट बार 1 लेस गए, जो आंसर आया उसमें फिर लेस गए, फिर जो आंसर आया फिर लेस गए। तो अभी जल्दी करते हैं, ये 9 में से 1 गया, ये हो गया हमारा 8। ठीक है, अभी इधर ये कितना बचा हमारा, ये 9 का 9, ठीक है, 1 लेस कर रहे हैं ना, ये कुछ लेस करने को है नहीं। ठीक है, सेम 9998, तो ये कितना हो गया 9998। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर फाइनल। आई होप गाइस आपके समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी अगला इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो भी इसका सेकंड चैप्टर जो भी होगा उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो गाइस आई होप यू हैव क्लियर ऑल डाउट। सो थैंक यू, एंड हमारे इस चैनल को, स्टडी क्रैक को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।